अच्छा आगे आ जाओ। श्याम सुंदर को चिंता करिए, आपको करना हो गया क्या? आपको भी हो गया? अब सब ठीक ठाक है? आज एक विशेष तिथि है, श्री वृंदावन दास ठाकुर का आज शुभ आविर्भाव तिथि है। प्रातः काल में गुरुदेव के मुखार में चले ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वृंदावन दास ठाकुर का शुभ कथा के लिए तिथि के अलग कारण हुआ। और श्री वृंदावन दास ठाकुर ये इनके बारे में श्री गौर गणेश दीपिका में एक अभिकर्ण पूर्व इनके बारे में बता रहे हैं कि वृंदावन दास ठाकुर कौन थे। वेद व्यास एवं सिद्धो व्यासो इसको बोले, ये एक कविकर्ण पूर्व नहीं बता रहे, एक प्राचीन श्लोक है, ये एक विशेष श्लोक है जिसको उद्धृत करके कविकर्ण पूर्व बता रहे हैं कि क्या मैं व्यास देवो देवा सिद्ध सिद्ध व्यासो वृंदावन अधुना साक्षा कृष्ण पीड़ कार्य समस्त समाविष्टा। इस श्लोक में बता रहे हैं कि ये वृंदावन दास ठाकुर कौन है, ना जो कृष्ण लीला को पुष्टि करने के लिए कृष्ण लीला को विशेष रूप में कौन लिखे, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी। तो वेद व्यास जी ने जिस प्रकार कृष्ण लीला को लिखे उसी प्रकार श्रीमद महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला को लिखने के लिए वृंदावन दास ठाकुर उसी व्यास रूप में जो वेद व्यास थे वो ही वृंदावन दास ठाकुर रूप में जगत में आविर्भूत होते हैं। ये वृंदावन दास ठाकुर का महिमा है, कौन है ये, साक्षात वेद व्यास जी है। और बोलते हैं कि जो कृष्ण लीला भागवती कहे वेद व्यास चैतन्य लीला व्यास वृंदावन दास की कृष्ण लीला की जो कथा है उनको शास्त्र में कृष्ण लीला की जितने भी कथा है उनको वेद व्यास जी ने वर्णन किया भागवत के रूप में। लेकिन श्रीमद वृंदावन दास ठाकुर ने उसी वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत ग्रंथ में महाप्रभु ने सुंदर सुंदर लीला महिमा को इसी सुंदर सुंदर वर्णन किया। इसी प्रकार कविकर्ण पूर्व बता रहे हैं कि जो प्यार जी थे वही साक्षात रूप में वृंदावन दास के रूप में वृंदावन दास ठाकुर के रूप में प्रकाशित हुए। तो आज उनका शुभ आविर्भाव तिथि है। एक दृष्टि से कहने में जाए तो गुरुदेव का एक लेक्चर आया था उसमें इंग्लिश वाला, तो उसमें सॉल्व करा था कि गुरुदेव बोल रहे हैं ये 1997 में दिसंबर में गुरुदेव भगत में थे। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि वहां पे जैसे ही गए तो वहां पे विदेश में बहुत दिन रुके, तो जिस समय विदेश में गुरुदेव गए तो उसी समय ये बीच गुरुदेव का था। इंडिया आने के बाद गुरुदेव बता रहे हैं कि गुरुदेव गौर पूर्णमी में, मतलब गुरुदेव जो गुरु पूर्णमी होता है जो व्यास जी का प्राकट्य तिथि जब हम लोग गुरुदेव को पूजा करते हैं और आरती इत्यादि करते हैं, जो पूजा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन थे जो व्यास पूर्णमी है वो गुरुदेव ने इंडिया में थे। तो बाद में गुरु जी ने वृंदावन दास ठाकुर की तिथि पे हॉलैंड पे, तो वहां पे बोलते हैं
कि आज भी वास्तव में वही गुरु पूर्णिमा का ही दिन है। क्यों? क्योंकि व्यास जी के जिस प्रकार का तिथि गुरु पूर्णिमा कहलाता है, आज से वृंदावन का खंड उसी व्यास का ही आज आविर्भाव तिथि। इसलिए तुम लोग मन खराब न करो, मैं इसलिए इस समय पर आया हूँ कि वृंदावन का खंड से फिर तुम मेरा सेवा कर पाओ। तुम वही थी गुरु पूर्णिमा, जो गुरु पूर्णिमा में तुम नहीं कर पाते उसी चीज को आज पूरा करो। तो ये हमारे गुरुदेव का भी एक वाणी है विशेष रूप में। उसके आगे बोल रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर ब्रज लीला में कौन है, बोल रहे हैं कृष्ण पीड़क आर्यम। कृष्ण पीड़ नामक कृष्ण का एक सखा है, वही सखा ही लीला को पुष्टि करने के लिए, महाप्रभु को लीला को पुष्टि करने के लिए यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर के रूप में आते हैं। यद्यपि वृंदावन दास ठाकुर ने हम जाते हैं नवदीप धाम परिक्रमा के समय पे मान काशी पे उनके जन्मस्थली पे जाते हैं, उनको दर्शन करते हैं, वहां पे प्रणाम करते हैं वृंदावन दास ठाकुर कृपा के नवदीप धाम मदद में उनके। फिर भी वृंदावन दास ठाकुर के जो पिता वैकुंठनाथ राय, वैकुंठनाथ विप्र, इन्होंने विशेष रूप में अपने पितृवंश के बारे में विशेष रूप में वर्णन नहीं किया, लेकिन ये कहने से अतिशयोक्ति नहीं होगा, लेकिन इन्होंने अपने मातृवंश के बारे में विशेष रूप से वर्णना किया है। विशेष करके कृष्णनाथ कविराज गोस्वामी, विशेष करके इसी चैतन्य चरितमृत में श्री उनके मातृवंश के बारे में भी वर्णन कर रहे हैं। और वृंदावन दास ठाकुर भी श्री चैतन्य भागवत में अपने मातृ अपने माता के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर की जो माँ है वो नारायणी देवी, वृंदावन दास ठाकुर की माता ये कौन है? श्रीमद महाप्रभु की जो पंच जो मूल है, श्रीमद महाप्रभु के जो शक्ति गदाधर पंडित के भी इन्होंने बड़े पुत्र श्री नारद पंडित, नलिन पंडित के ही पुत्री श्री नारायण जी। किसी काल वर्ष उसी समय पे इन्होंने इनका शादी हुआ था मामकाची पे, और मामकाची में गर्भावस्था में ही इनके पिता इनको छोड़ के चले गए वैकुंठनाथ विग्रह। यद्यपि अन्य अन्य वैष्णव वृंदा ने उनके पिता के नाम कहीं कहीं उल्लेख किया है, लेकिन वृंदावन दास ठाकुर ने विशेष रूप में अपने मातृवंश का परिचय दिए। तो जो नारायणी देवी वो साक्षात उनको बता रहे हैं कि किस प्रकार नारायणी देवी श्रीमन महाप्रभु के ही कृपा प्राप्ति है। जैसे श्रीमन महाप्रभु जिस समय गया पे गए और गया पे जाने के बाद भावुक निमाई बन के आ गए, चंचल निमाई से भावुक निमाई बन गए। श्रीमन महाप्रभु जिस प्रकार आते हैं तो नवदीप धाम में आत्म धर्मों को प्रकाशित करते हैं, भक्ति धर्मों को प्रकाशित करते हैं, जिस कार्य के लिए आए थे उसी कार्य को शुरू करते हैं। तो सात प्रहरिया करे उदंड गोरखी कृष्णदास चैतन्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी ठाकुर मैं बता रहे हैं कि सात प्रहर तक श्रीवास नगर में क्या करते थे श्रीमन महाप्रभु, बड़े सुंदर सुंदर कीर्तन करते थे, रात्रि जागरण आदि कीर्तन करते थे। उसी समय जो नारायणी देवी थे यानी श्रीवास पंडित की जो भतीजी, श्रीवास पंडित की जो भतीजी लगे वो नारायणी देवी, उनका आयु मात्र 4 साल का, 40 वर्ष से उन्मत्त चरित्र, 4 साल का उन्मत्त चरित्र ठाकुर महाशय रामदास ठाकुर देख रहे हैं। जो उन्मत्त चरित्र क्या हो, उन्मत्त चरित्र देखो जिसमें मन ना रमित हो जाए। श्रीमद महाप्रभु 4 साल के लड़के को बोल रहे हैं कि देखो तुम एक काम करो, भूमि पे कृष्ण कृष्ण बोलो। जैसे श्रीमद महाप्रभु इस प्रकार का आदेश देते हैं तो नारायण देवी भूमि को पछाड़ खा के भूमि पे गिर जाते हैं। जैसे उनका होश उठता है कृष्ण कृष्ण बोलते हैं। इस प्रकार वो महाप्रभु की कृपा प्राप्ति थे। इसी प्रकार नारायण देवी को कभी कभी श्रीमद महाप्रभु अपने उच्चिष्ट भी प्रदान कर दिया करते थे। वास्तव में यहाँ पे बता रहे हैं कि ये नारायण देवी कौन है। कवि कर्णपुर अपने ग्रंथ में बता रहे हैं कि अंबिकाया स्वायामी नामनी इलिम्बिका कृष्ण उचिष्ट प्रभु जम न सह नारायण तथा। ये कौन है? कृष्ण के दो धात्री माँ, दो भाई माँ, एक अंबिका और एक इलिम्बिका। तो एक जो अंबिका देवी यहाँ पे साक्षात पूरा स्पष्ट रूप में बता रहे हैं कि अंबिकाया स्वायामी नामनी इलिम्बिका कृष्ण उचिष्ट, कि जो अंबिका देवी है वो कभी कभी कृष्ण को क्या करते हैं, कभी कभी कृष्ण को दुग्धपान करवाते हैं, स्तनपान करवाते हैं, प्रेम प्रदान करते हैं। और उनके जो बहन किलम्बिका वो कभी कभी कृष्ण के महाप्रसाद को हर समय ब्रजलीला में महाप्रसाद को ग्रहण करते हैं। तो इसी प्रकार जो वही किलम्बिका
जब कृष्ण के महाप्रसाद को ग्रहण करता था ग्रहण करते थे वही आज श्रीमद महाप्रभु के लीला में ये नारायणी देवी बन के आए। यहाँ पर भी श्रीमद महाप्रभु को क्या करते हैं, श्रीमद महाप्रभु साक्षात कृष्ण ही है, नित्य धाम में वो क्या करते हैं अपने कृष्ण प्रसाद दे देते हैं अपने भाई माँ को। और यहाँ पर भी क्या करते हैं कि श्रीमद महाप्रभु कृपा करके नारायणी देवी को अपने कृष्ण प्रसाद दे रहे हैं, जिसको ठाकुर महाराज वृंदावन दास ठाकुर अपने चैतन्य भागवत में लिख रहे हैं कि नारायण चैतन्य का उत्कृष्ट भाजन दारा जन्म मिला दास वृंदावन। कि नारायणी देवी कौन है, श्रीमद महाप्रभु के साक्षात उत्कृष्ट ही महाप्रभु के महाप्रसाद ही है, महाप्रसाद के कृपा पात्र है और इनके ही कृपा से श्रीमद महाप्रभु के ही कृपा से कौन श्री वृंदावन दास ठाकुर के नारायण देवी को आश्रय करके जगत में आविर्भूत होते हैं। कौन है ना साक्षात वेद व्यास। इसके आगे बोल रहे हैं कि वृंदावन दास ठाकुर ने विशेष करके जिस महाकाव्य ग्रंथ को रचना किया वो कौन है ना साक्षात श्री चैतन्य भागवत। पहले श्री चैतन्य मंगल नाम ग्रंथ है, इन्होंने चैतन्य मंगल ग्रंथ लिखे थे। फिर बाद में हमारे रोचनदास ठाकुर ने भी एक चैतन्य मंगल ग्रंथ लिखे। इसके बाद वैष्णव जगत में विशेष रूप में समालोचना होने के बाद फिर चैतन्य मंगल को भी बाद में वैष्णव ग्रंथ को चैतन्य भागवत के रूप में प्रकाशित कर रहे। चैतन्य भागवत का अद्भुत महिमा जी बता रहे, चैतन्य भागवत का अद्भुत महिमा बोल रहे कि वृंदावन दास बोले चैतन्य मंगल जवाहर श्रवण से सर्व अमंगल। चैतन्य भागवत जी का श्रवण मात्र से सर्व अमंगल दूर हो जाता है, इतना पावर है चैतन्य भागवत। श्रवण मात्र से उसको पठन मात्र ना से सर्व अमंगल, उसका सर्व अमंगल सब दुख सब अमंगल उसका नाश हो जाता है। इसी प्रकार ये ग्रंथ भाई चिंता मात्र से इतना हो तो पढ़ने का क्या फल होगा, पढ़ने का तो उसका विशेष ही फल होगा। यहाँ पे बोल रहे हैं कि मनुष्य चरित नारे यही से ग्रंथ धन्य, कि मनुष्य रचित नारे यही नारे यही से ग्रंथ धन्य। पहले तो चैतन्य चरिता चैतन्य भागवत में हजारों लंबी तो उठ इस श्लोक का वृंदावनदास ठाकुर ने विशेष रूप में वर्णना करते हैं। एक श्लोक में गुरु नित्यानंद प्रभु और एक श्लोक में महाप्रभु गुरु और भगवान को एक श्लोक में प्रणाम कर रहे हैं। और दूसरे उसके अंदर अंदर चले जाएंगे तो हर जगह बोल रहे हैं कि नित्यानंद कृपा हमारे प्रति है। ये बात बोले नित्यानंद प्रभु की कृपा के द्वारा ही मैं क्या कर रहा हूँ, इसी प्रकार चैतन्य चरिता चैतन्य भागवत ग्रंथ को मैं रचना कर रहा हूँ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी एक बात को बोलते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि कोई भी चैतन्य चरितामृत में दिखाते हैं कि किस प्रकार चैतन्य चरितामृत में भी श्रीमद नित्यानंद प्रभु के ही कृपा है, नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना मैं चैतन्य चरितामृत नहीं लिख पाता इस प्रकार बता रहे हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर जब भी नित्यानंद प्रभु की महिमा के बारे में वर्णन आता है इसमें देखा जाता है आदि खंड अंत खंड मध्य खंड सब में नवम अध्याय दशम अध्याय ऐसा कुछ कुछ है चैतन्य चरित भागवत में, तो वहां पर सब नित्यानंद प्रभु की महिमा वर्णन करते 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 उनके लिखने उनके जो लिखने वो रुकते नहीं है। बाद में बहुत दिन तक आविष्ट रहते हैं नित्यानंद प्रभु को स्मरण करते करते, इतने आविष्ट रहते हैं कि भूल जाते हैं सब कुछ। बाद में उनको याद आता है कि मैं तो महाप्रभु के चरित्र लिख रहा था, मैं महाप्रभु के चरित्र छोड़कर नित्यानंद प्रभु के चरित्र में इतना इतना विस्तृत रूप में नित्यानंद प्रभु के चरित्र को वर्णन कर रहे हैं कि नित्यानंद कृपा प्राप्त हरे वृंदावन दास स्वयं लिख रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु के ही मैंने क्या किया कृपा प्राप्त की। अब देखो ये वृंदावन दास ठाकुर ने मांग राशि में ही संस्कृत का बड़े सुंदर वहां पे विद्या अध्ययन किया, ऐसा हमारे पिताजी ठाकुर ये वर्णन करते हैं। इन्होंने माम राशि में ही संस्कृत पढ़ा, वहां पे उन्हीं पे ही विद्या अध्ययन किया कि वो उस समय नवदीप धाम को सर्वश्रेष्ठ विद्या का केंद्र बताया जाता था। बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े पंडित वो नवदीप धाम में थे, तो वहीं पे ही श्री वृंदावन दास ठाकुर ने अपने अध्याय कार्य समाप्त किया। ठाकुर बोलते हैं विशेष रूप में कि ये जो वृंदावन दास ठाकुर है वृंदावन दास ठाकुर साक्षात वेद व्यास जी ही है, और वेद व्यास जी जिस चीज कार्य को किया वेद व्यास जी ने जिस चीज प्रकार में भक्ति का महिमा भागवत जी में प्रकाशित किया उससे कई गुना ज्यादा श्री वृंदावन दास ठाकुर ने भक्ति का महिमा इस ग्रंथ में प्रकाशित किया। इतने भक्ति का महिमा
बहुत सारे भक्ति भक्ति का महिमा गुरु दर्शन सब दर्शन जो वैष्णव जगत में जो आवश्यक है जो इच्छाएं है ये सब वृंदावन दर्शन का हमने चैतन्य भागवत में लिखा। अब हमारे प्रभुपाद ने जगत गुरु प्रभुपाद ने एक बात को लिखते हैं ठाकुर महाशय के बारे में कि श्री चैतन्य भागवत ग्रंथ शुद्ध भक्ति मंत्र कवे सदा भक्ति विनोद निरंतर पाठ भले कुबुद्धि जाए चले कृष्ण प्रेम रवि में प्रमोद। यहाँ पे सिर्फ प्रभुपाद बता रहे हैं कि श्री चैतन्य भागवत ग्रंथ जो चैतन्य महाप्रभु के जो भागवत ग्रंथ है वो क्या है ना शुद्ध ग्रंथ है उसमें कोई विशुद्ध इधर उधर का चीज नहीं लिखा है उसमें ना कहकर नहीं है धर्म अर्थ काम सब कुछ ऊपर लिखा है भक्ति राज्य में किस प्रकार भक्ति किया जाए ये सब चीज उसमें लिखा गया है उसमें जागतिक बात नहीं लिखा गया है जिसको श्रवण मात्र से ही जीव का कल्याण होगा जिसको श्रवण मात्र से ही जीव का मंगल होगा। तो उसी प्रकार उसमें भक्त और भगवान के चरित्र दोनों के चरित्र लिखा गया है और वृंदावन दास ठाकुर स्वयं बता रहे हैं चैतन्य भागवत में कि भक्त के महिमा को श्रवण करने मात्र से ही जीव का कल्याण होगा। सुनिया जी साधु गुणों मुख्य कि वैष्णव के मुख से ही हमने श्रवण किया है कि वैष्णव गुण का परिचय जीवित वैष्णव का गुणगान से ही जीव का परम उद्धार होगा। तो इसी प्रकार भक्त के भी गुणगान करेंगे जीवित और भक्त और भगवान के महिमा एक जगह पे लिखा गया है। तो इसी प्रकार ऐसा एक ग्रंथ जो चैतन्य भागवत देखो दो उदाहरण यहाँ पे विशेष रूप में बताए बता रहे हैं जब कृष्ण आए राम जी आए और भगवान अवतार धारण करते हैं या कोई भक्त अवतार धारण करते हैं भगवान या भक्त के अवतार धारण करते हैं कृष्णा आते हैं देवकी माता देवकी माता के गर्भ में आए पार्वती प्रकाश के राम जी आए और भक्त ग्रहण भक्त लोग भी आए प्रहलाद महाराज के आयु माता के गर्भ में आए द्रोप महाराज सब भक्त भी आए लेकिन एक जगह पे एक गर्भ में भक्त और भगवान हो सकते हैं कभी बोले कैसे उत्तरा माता के गर्भ में परीक्षित महाराज जी थे और परीक्षित महाराज जी परम भक्त हैं परीक्षित महाराज जी को बचाने के लिए स्वयं भगवान ने गदा प्रहार करते हुए अपने सारे अस्त्रों को देते हुए लेते हुए गदा घुमाते घुमाते उत्तरा माता के गर्भ में प्रवेश कर गए और उत्तरा माता के गर्भ में भक्त भी है और भगवान भी है। उसी प्रकार ये जो ग्रंथ है ना इसी प्रकार इसी ग्रंथ में भी भक्त का भी महिमा इतने रूप में वर्णन है और भगवान के भी महिमा इतने रूप में विशेष रूप में वर्णन है ऐसा एक अद्भुत संयोग यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि वह सदा भक्ति विनोद निरंतर पाठ फले इसका कोई निरंतर पाठ करता है वहां पर टीका पे बोल रहे हैं कि एक भी उसका प्रयास एक भी उसको चीज उसको निरंतर अगर कोई बोलता है स्मरण करता है चिंतन करता है कुबुद्धि जाए वे चले उसका जो दुर्बुद्धि कुबुद्धि वो सब क्या होता है दूर होता है और कृष्ण प्रेम लभे वे प्रमोद उसको क्षण क्षण में क्या होगा एक ना एक कृष्ण प्रेम लभे वे प्रमोद कृष्ण ठाकुर जी का जो प्रेम उसको कभी ना कभी प्राप्त होगा। इसी प्रकार ये वृंदावन दास ठाकुर का विशेष महिमा है और चैतन्य भागवत गुरु जी का भी बड़े क्लियर है उस समय गुरु जी ने विशेष करके चार ग्रंथों के ऊपर लिखा बताया इसमें से तो एक चैतन्य भागवत बृहद भागवत और श्रीमद दशम भागवत और हमारे हर गुरु को देखिए तो उसमें गुरु जी दो ग्रंथ को विशेष रूप में यूज करते हैं जैसे करके भागवत जी को बोलते ही हैं और विशेष करके गुरुवर्ग की तिथि बोलते हैं लेकिन गुरु जी का एक इच्छा था कि चैतन्य भागवत में ग्रंथ है और बृहद भागवत मतलब गुरु जी ने मेहनत करके लिखे हैं स्वयं बोलते हैं रात रात बैठ बैठ के लिखते हैं तो उसको कभी भी बोला नहीं गया मतलब शुरू नहीं किया था कभी भी ऐसा प्रयोग नहीं हुआ था हम लोग के मेरे ऊपर तो विशेष कृपा ही हुआ इस समय लॉकडाउन पूरे महीने छह महीने तक वहीं पे रुके तो जिस दिन चैतन्य भागवत ग्रंथ शुरू किए और अद्भुत रूप में जिस दिन गुरुदेव का आने का था उसी दिन एक दिन पहले चैतन्य भागवत ग्रंथ समाप्त तब आश्चर्य हो गए जितने वैष्णव थे सब सुन रहे थे तब आश्चर्य हो गए और गुरुदेव स्वयं बोलते साक्षात जगन्नाथ सुनते थे वहां इसी प्रकार का चैतन्य भागवत कितना कल्याण प्रदेश है हमारे तो विशेष विशेष रूप में हमको इसको निरंतर पाठ करना चाहिए चिंतन करना चाहिए। आज वही वृंदावन दास ठाकुर का आज
अगर मान लीजिए एक तिथि को बोला जाएगा तो ये आज की तिथि गुरु की पूजा का तिथि है, गुरु के चरण में समर्पण होने की तिथि है, गुरु के चरण में शरणागति होने की तिथि है, गुरुदेव का आज व्यास पूजा तिथि है मान लो। क्यों? क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर साक्षात व्यास जी है और व्यास जी की तिथि पे हम गुरु पूर्णिमा के उत्सव मनाते हैं कि नहीं, गुरु पूजा करते हैं कि नहीं, आज वही व्यास का व्यास हुआ आविर्भाव तिथि है, तो एक दृष्टि से आज की तिथि व्यास पूजा से कोई कम नहीं है, बोलने से ऐसा बोलने पर भी कोई अतृप्ति नहीं होगा। तो इसी प्रकार आज की तिथि बड़ा पवित्र है और वृंदावन दास ठाकुर का आज वो आविर्भाव तिथि है। गुरु वैष्णव हम सबके ऊपर कृपा करे, वृंदावन दास ठाकुर कृपा करे, कभी गुरु वर्ग के आम करते हुए हम किसी ग्रंथ को बार अध्ययन कर पाए, श्रवण कर पाए, समझ पाए और उसी उसी रूप कर पाए, ये सब प्रार्थना। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सञ्चिन्तयत् भगवच्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वजसरोरुबलाक्षनाट्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसज्ञकचक्रवालः ज्योत्स्नाभिरामहदभिर्हृदयामन्धकारः। सबसे पहले मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अश्रोदर्श भक्ति विदांश श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि धन्यवाद अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव ओम विष्णुपाद अश्रोदर्श भक्ति विदांश नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणार्थ में अनंत कोटि धन्यवाद अर्पण करता हूँ। श्रीमद चैतन्य महाप्रभु सहित समस्त गौर परिकर जयंत हूँ एवं मेरी समस्त गुरु परंपरा सदैव जयंत हूँ। यहाँ पर उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी आप सभी को मैं धन्यवाद अर्पण करता हूँ। अभी प्रकृति सुना रहे थे श्री वृंदावन दास ठाकुर जी का तिथि, तो एक प्यार जो श्री चैतन्य भागवत में लिखा है उन्होंने उसको देखो। गुरुदेव के लक्षण अनंत अनंत उपमाएं अनंत अनंत गुण है, परंतु वृंदावन दास ठाकुर ने श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने लिखा है कि गुरुदेव कोई ब्राह्मण शरीर हो ऐसा नहीं हो नहीं नहीं जरूरी है, कि गुरुदेव कोई विशेष शरीर युक्त या विशेष पदवी युक्त ही हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, फिर कौन गुरुदेव हो सकते हैं। किंवा न्यासी किंवा वैश्य अरे किंवा शूद्र है, कृष्ण तत्व वेत्ता जिन्हीं तीन ही गुरु है, कोई भी किसी भी वर्ण का गुरुदेव किसी भी वर्ण को धारण करके, परंतु कृष्ण तत्व वेत्ता जिन्हीं तीन ही गुरु होए, जो साक्षात कृष्ण तत्व के वेत्ता हैं, श्री कृष्ण तत्व को जानते हैं वही श्री गुरुदेव। भाषा यस्या कृष्ण देहोपि गौरव, जो भाषा को दिव्य श्री भगवान की दिव्य भाषा को श्री भगवान की दिव्य गुणगणामली को जिनको जिन्होंने कंठ में धारण कर रखा है वही गुरुदेव के लक्षण है। देखिए दोहन किसी का भी हो सकता है, श्री अर्जुन ने जब श्री कृष्ण का दोहन किया तो कलकल कल्लोल वंदनी होकर के श्री गोविंद के दिव्य गीत के रूप में भगवती गीता प्रकट हो गई। किसी भी व्यक्ति का दोहन किया जा सकता है, अब कोई हमारा दोहन करे तो क्या निकलेगा, काम क्रोध लोभ, किसी कामी का दोहन करे तो काम प्रस्तुत होता है, किसी लोभी का दोहन करे तो लोभ की वर्षा होती है, क्रोधी का दोहन करे तो क्रोध की वर्षा होती है, पर सदगुरुदेव का दोहन करे तो कृष्ण चर्चा की दिव्य मंडा भी निकलती। न्याशी किम्बा वैश्य किम्बा शूद्र होए, कृष्ण तत्व वेत्ता जिन्हीं तिन्हीं गुरु होए, कोई भी वर्ण के श्री गुरुदेव। इसलिए भाषा यस्य कृष्ण तो देहो भी गौरव, श्री गौरांग महाप्रभु के दिव्य वाणी सदकृत अलंकृत करते हुए जब श्री गुरुदेव अपने मुखास्मित होकर के जब श्री कृष्ण कथा की प्रवाह वर्षा करते हैं, वो जब कर्ण कुटेश संप्रदम जब कानों में प्रस्तुत होती है और जो कान में प्रस्तुत होकर के हृदय में कृष्ण प्रेम की दिव्य अग्नि को दबका देती है वही दिव्य गुरुदेव की वाणी। इसलिए किम्बा न्याशी किम्बा वैश्य किम्बा शूद्र भय, कृष्ण तत्व वेत्ता जिन्हीं तिन्हीं गुरु,
इसलिए भाषा का अन्य भाषा भाषा का बहुत महत्व है, इतना महत्व है बहुत। इसलिए हमारे यहाँ पे तो वाचो वेगम से शुरू किया गया है, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरो वस्त्र वेगम। जब हनुमान जी ऊपर बैठे थे अशोक वाटिका में वृक्ष पे, तो रावण कहकर के सीता जी को चला गया। अब हनुमान जी सोच रहे हैं कि मैं किस भाषा का प्रयोग करूं। यदि वाचम प्रदास्यामि द्विजौ अलंकृतौ कृतौ जानुनी सीता मां सीता भीता भविष्यति। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड के 26वें सर्ग का 34वां श्लोक। सोच रहे हैं हनुमान जी कि मैं किस भाषा का प्रयोग करूं, क्योंकि देखिए लीला में सीता जी दो तीन भाषाओं को जानती हैं, संस्कृत अवधी और मैथिली। रावण लीला में दो भाषाओं को जानता है, संस्कृत और तमिल। अब हनुमान जी सोच रहे कि यदि मैंने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया तो जानकी जी सोचेंगे कि कोई ना कोई रावण का ही दूत है। तो हनुमान जी सोच रहे हैं कि मैं किस भाषा का प्रयोग करूं। अथ कस्याम भाषायाम मैथिल्याम वा कि अवध्याम वा, मैं मैथिली का प्रयोग करूं कि अवधि का प्रयोग करूं। तो हनुमान जी ने कहा मैथिली का प्रयोग नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि दिव्या ससुरालैक दूतत्वा, मैं सीता जी की ससुराल का दूत हूँ, इसलिए मैं अवधि भाषा का ही प्रयोग करूंगा। और जब हनुमान जी ने अवधि भाषा का प्रयोग किया तो जानकी जी समझ गई, कपि के वचन सुनी प्रेम बस उपजा मन विश्वास जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। मैं समझ गई कि मैं कि अवधि बोलने वाला तो मेरे रघुनंदन जी का दूत ही हो सकता है, इसलिए जानकी जी पहचान गई कि ये ही हनुमान जी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सोचा कि जब अवधि भाषा का प्रयोग करके हनुमान जी ने जानकी जी को प्रसन्न कर लिया तो मैं भी अवधि भाषा में श्रीमद् रामचरित मानस लिख करके युगल सरकार को प्रसन्न कर लूंगा। ऐसा ही अवधि भाषा, इसलिए भाषा यस्या कृष्ण देहो भी गौरव किंबा काका कौकिलाश्च गौरा, इसलिए भाषा का अत्यंत 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 महत्व होता है। इसलिए किंबा न्यासी किंबा वैश्य किंबा शूद्र भय कृष्ण तत्व वेत्ता जिन्हीं तिन्हीं गुरु भय, जिनकी भाषा दिव्य श्री भगवान की गुणगण मिले अखिल गुणगण मिले भगवान भगवान अखिल सांप्रत सिंधु सार ग्रह श्री गोविंद के नित्य गुणानुवाद को गाय वही गुरुदेव है। वांछा कल्प तरु दृष्टि कृपा सिंधु के पक्का नाम पावन है क्यों वैष्णव देव। ओम ज्ञान ज्ञानंदया चक्षुर्मीतम श्रीगुरो नमो विष्णुपादायत्मे शिष्यमदारायण ओम विष्णुपाद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में कोटि कोटि ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात में श्री शुक्रदेव भक्ति वेदांत श्री गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दर्द प्रणाम है। उसके उपरांत समस्त कर्मचारियों एवं समस्त वैष्णव वैष्णव के चरणों में मेरा कोटि कोटि दर्द प्रणाम। आज महान तिथि है, श्री वृंदावन दास ठाकुर जी की तिथि है और काफी कथाएं आपने श्रवण की होंगी कि ये वेद व्यास जी के अवतार हुए और ये इनकी माता का नाम नारायणी है जो कि राधा रानी की कृष्ण लीला में राधा रानी की दासी है, उनका उच्चिष्ट पाती है सेवा करके, वही नारायणी रूप में जो श्री व्यास जी की भतीजी होकर के यहाँ प्रकट है। और चैतन्य महाप्रभु श्री व्यास आंगन में जो नृत्य किया करते थे महामंत्र का अन्य अन्य कीर्तनों का वहां नृत्य होता था, तो ये नारायणी बहुत छोटी सी बालिका थी मात्र 5 वर्ष की और उस नृत्य और संगीत का आनंद लिया करती थी। महाप्रभु ने कृपा की, एक दिन ये वहीं पर खड़ी थी, महाप्रभु नृत्य कीर्तन करते गए, उस बालिका पर हाथ धर दिया सिर पर और ये बालिका मूर्छित होकर गिर गई। तो प्रेम जो है पूर्ण तरीके से नारायणी के हृदय में प्लावित हो गया। उन्हीं नारायणी जब ये बड़ी हुई, इनका विवाह हुआ वैकुंठ नाथ जी से, वैकुंठ नाथ जी और नारायणी जी के सुपुत्र हुए श्री वृंदावन दास ठाकुर।
बोलो वृंदावन दास ठाकुर जी की जय। ये और कोई नहीं, वेद व्यास जी के ही अवतार। व्यास का मतलब होता है किसी भी वस्तु को विस्तीर्ण करना, ज्ञान को निम्न अवस्था से लेकर उच्चतम अवस्था तक ले जाना। जिस प्रकार से हमने कक्षाओं में पढ़ा है, जब स्कूल में पढ़ाया जाता है भूगोल में या मैथ्स की क्लास में, सर्किल को किस तरीके से नापा जाता है, व्यास से बीच में एक बिंदु लगा दिया जाता है और एक जो गोला का बाहर का आकृति है उस लाइन से उस बिंदु को स्पर्श करते हुए दूसरी जो गोले की आकृति का वो है सर्कल पूरा जहां होता है, एक जो लाइन है उसको व्यास कहा जाता है। तो व्यास का मतलब यही है किसी भी चीज को मापना, किसी भी ज्ञान को विस्तृत करना। तो वो वेद व्यास स्वयं वृंदावन दास ठाकुर जी बनकर रखते हैं। और इन्होंने सोचा कि मैंने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, वेद लिखे, पुराण लिखे, यहां तक कि महाभारत लिखी और यहां तक कि श्रीमद् भागवत लिखी, तो भी मैं गुरु की महिमा इतनी लिख नहीं पाया। इन्होंने गुरुदेव की महिमा लिखने के लिए, गुरुदेव की महिमा लिखने के लिए इन्होंने जब लिखना प्रारंभ किया तो लिखनी लेखनी जो है ठहरती नहीं। गुरुदेव अर्थात नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु कौन है, श्री बलराम जी स्वयं है। नित्यानंद प्रभु की इतनी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए लीला को लिख दिया और ग्रंथ जो है समाप्ति की ओर जाने लगा, तब इनको आभास हुआ कि मैं चैतन्य महाप्रभु की लीला लिखने के लिए बैठा हूं। और चैतन्य भागवत मंगल भागवत के नाम से उन्होंने उसको प्रकाशित करना था, तो उन्होंने नित्यानंद की बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं जो लिखी, उनमें से दो एक लीला का स्मरण करते हुए चलते हैं। जब इन्होंने लिखा नित्यानंद प्रभु चक्रतीर्थ में बंगाल में अवतीर्ण हुए और वहां से छोटी सी अवस्था में ही कृष्ण लीला का हमेशा स्मरण करते हुए रसास्वादन किया करते थे और ये बहुत जल्दी ही घर बाहर छोड़ करके वहां से पूर्ण भारत में भ्रमण करते हुए, तीर्थों में स्नान आदि करते हुए, दर्शन करते हुए ये पश्चिम भारत में पहुंचे हैं। पश्चिम भारत में तो गुजरात की तरफ, यहां पर अभी इनकी अवस्था ज्यादा नहीं है, 24-25 वर्ष के मात्र होंगे और वहां पर जाकर के इनका समागम हुआ श्री माधवेन्द्रपुरीपाद जी से। माधवेन्द्रपुरीपाद जी और कोई नहीं है, हमारे चैतन्य महाप्रभु के दादा गुरु है, परम गुरुदेव है, ईश्वरपुरीपाद के गुरुदेव माधवेन्द्रपुरीपाद। कई बार आपने कथा श्रवण की होगी, तो माधवेन्द्रपुरीपाद व्रत अवस्था में थे उस समय, 80-84 के अवस्था में रहे होंगे और उनके सारे शिष्य उनके साथ साथ वो भी तीर्थ भ्रमण कर रहे थे। वहां पर इनका समागम हुआ और नित्यानंद प्रभु जी ने जैसे ही उनको दर्शन किया माधवेन्द्रपुरीपाद, माधवेन्द्रपुरीपाद हमारी जो भक्ति रस है उसके अंकुर माने जाते हैं। इससे पहले भक्ति ही कहा जाता था लेकिन भक्ति रस प्रदान करने वाले जो अंकुर है वो माधवेन्द्रपुरीपाद। और माधवेन्द्रपुरीपाद का जब दर्शन किया नित्यानंद प्रभु ने, नित्यानंद प्रभु के भक्ति के अस्वीकार जागृत हो गए और पूर्ण तरीके से भावावेश होकर के उनकी रोमावलियां खड़ी हो गई और स्वेद कंप इत्यादि और अश्रुपात होने लगा और माधवेन्द्रपुरीपाद को दर्शन करते ही एकदम से दंडवत प्रणाम करते हुए मूर्छित हो गए। और यहां पर माधवेन्द्रपुरीपाद जिन्होंने नित्यानंद प्रभु का दर्शन किया उनका भी ऐसा ही हाल है, उनको भी पूर्ण भक्ति के अस्वीकार हो गए हैं और नित्यानंद प्रभु का दर्शन करके वो भी मूर्छित हो। और वो मूर्छित अवस्था जो टूटी दोनों की, दोनों खड़े हुए आलिंगन किया और प्रेम से रोते हैं और एक दूसरे को सांत्वना देते, आप मत रो और खुद रोए जा रहे हैं, इतना प्रेम का जो है भाव प्रकाशित हुआ। नित्यानंद प्रभु रोते हुए कहते हैं आप ना रोइए, आप ना रोइए, इधर जो है माधवेन्द्रपुरीपाद कहते हैं आप ना रोइए, आप ना रोइए, और खुद रोते हैं और फिर मूर्छित हो जाते हैं। ये एक आध घंटे की बात नहीं, एक दो दिन की बात नहीं, रोज रोज ये प्रक्रिया होती है, कई महीनों तक चली। तो सारे सारे जो मां शिष्य हैं
अभिवादन करते हैं, उनको आसन प्रदान करते हैं और यहाँ नित्यानंद प्रभु भी उनको ऐसा करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु की ऐसी महिमा जो है यह प्रकाशित हुई, ये हमारे वृंदावन दास ठाकुर जी ने प्रकाशित किया। ऐसे ही जब नित्यानंद प्रभु भारत भ्रमण को कर ही रहे थे, करते करते दक्षिण भारत से जब आए हैं और उत्तर भारत में आए हैं, वृंदावन की ओर गए, वृंदावन में जाकर के वहां सुंदर सुंदर जो लीलाओं का स्मरण होता है भगवान श्री कृष्ण का, उनका कृष्ण का सुंदर स्मरण करते हुए उसी भाव में आ जाते हैं और वहीं उनको आकाशवाणी हुई। अब ये अवस्था इनकी हो चली थी कम से कम 40 से 50 के बीच में, तो यहां पर इनको आकाशवाणी हुई, हे नित्यानंद तुम यहां कहां भ्रमण कर रहे हो, तुम्हारा जो है कृष्ण तो मायापुर में अवतीर्ण हो गया, वहां पहुंच गए। वहां से नित्यानंद प्रभु चले हैं और जाकर के उन्हें पता चला है नवदीप और मायापुर में हमारे जो है श्री कृष्ण चंद्र अब गौरहरि के रूप में अवतीर्ण है, और यदि वो कृष्ण है तो लेकिन वो अपने भक्तों को जानेंगे, अपने आप मुझे पहचानेंगे, खोजेंगे, वो नंदन आचार्य के घर में जाकर के छिपे। नंदन आचार्य में जाकर जब छिपे तो यहां पर नित्यानंद प्रभु का जैसे ही नवदीप में प्रवेश हुआ है, महाप्रभु कौन है, स्वयं भगवान, और उनको आभास हो गया कि नित्यानंद प्रभु आ गए। उन्होंने समस्त भक्तों को कहा, समस्त नवदीप और मायापुर जहां पर भी आप भोजो, कोई महान विभूति वाले संत आए हैं उनको देखो जाकर के। सब गए भोजा लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला, तो ऐसे नहीं मिलेंगे वो, तुमने कैसे खोजा, तुमने जाकर के बस पूछताछ करी, ऐसे नहीं आने वाले वो भाग। उनके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत बड़ा कीर्तन करना होगा। जब ये सब चलेंगे, सबको लेके चले और वहां सुंदर नगर संकीर्तन करते हुए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। इस तरीके से कीर्तन करते करते जब गए नंदन आचार्य के पास तो इनसे रहा नहीं गया और वहां से एकदम से बाहर आए, एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे करोड़ों करोड़ों कल्प बीत गए हों, युगों की बात छोड़ दीजिए, कल्प बीत गए हों, और एक दूसरे को देख करके दोनों के अश्रुपात हो गए। एकदम से नित्यानंद प्रभु आए, साष्टांग प्रणाम किया और क्या कहते हैं, मैं पूरे भारतवर्ष में घूमा और मैंने देखा कि समस्त कीर्तों में सिंहासन तो है लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो है वहां पर स्वयं वहां सिंहासन खाली रिक्त पड़ा है, वहां भगवान नहीं। और मुझे जानकारी हुई कि यहां पर जो है सिंहासन भी है और साक्षात परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण है। मेरे गौरव आपने उनको साष्टांग प्रणाम किया, उनको आलिंगन किया, तो ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर लीला किसने लिखी, वृंदावन दास ठाकुर जी ने। और ये हमेशा गोप वेश में बाल लीला में नवदीप में रहते, जैसे यही वृंदावन में और है भी सत्य, नवदीप और वृंदावन में कोई भेद नहीं, अभेद है। नित्यानंद प्रभु हमेशा मात्र 5-6 वर्ष की गोप बन करके वहां पर विचरण करते हैं, कहां नवदीप में, और है किस अवस्था में भी 40 से 50 वर्ष की अवस्था में। शिव वास प्रभु की जो धर्मपत्नी है, क्या नाम है, मालिनी, तो माता की तरह रोहिणी माता की तरह जाकर के आलिंगन करते हैं, चिपट जाते हैं और वो इतनी भूख लगी है, भूख लगा और भूख लगी है क्या करके दूध मांगते हैं। माता मालती भी अपना उसी भाव में कि मेरा बालक है उसको स्तनपान करा रही, किसको, नित्यानंद प्रभु को। तो ये सब कुछ ऐसे समझ में नहीं आता कि इतनी वृद्धावस्था 40 से 50 वर्ष की अवस्था में मात्र 5-6 वर्ष की अवस्था का बालक जैसे करता है वैसे मचलता है वैसे कर रहे, लेकिन ये वात्सल्य भाव है। माता जी को वात्सल्य भाव प्रकट हुआ और उन्होंने आलिंगन किया, उनको 5 वर्ष की नजर आ रहे और उनको स्तनपान करा रहे। और उसके बाद जब एक बार मैया उनको माखन मिश्री देने के लाए तभी तो हुआ लेकर के उसके डोरी को ऊपर चला। अब नित्यानंद प्रभु एकदम से ईश्वर भाव में आ जाते हैं, कहा जाता है एक जो घी का कटोरा लेकर गया है वापस को ना लेकर के यहां।
पर आओ, वो भगवान है और भगवान का आदेश कोई जीव ना माने ऐसा हो नहीं सकता। वो कौआ वापस पुनः माखन मिश्री को लेकर के यहाँ प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण गौर हरि है, यहाँ गौर हरि किस तरीके से है, यहाँ पर स्वयं जो है भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है वो गौर हरि है, स्वरूप है वो नित्यानंद है। और ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं जैसे भक्त रूप गौर हरि है, भक्त स्वरूप नित्यानंद है, भक्त अवतार श्री अद्वैताचार्य जी है, भक्त शक्ति श्री गदाधर पंडित जी है और स्वयं भक्त जो है शिवाज। तो इस तरीके से ये पंच तत्व हमें भक्ति बल चित्त बल प्रदान करते हैं। ये सब कुछ वृंदावन दास ठाकुर ने बहुत सुंदर प्रस्तुत किया। तो आज ऐसे महान संत का आप फिर आविर्भाव दिवस है, आज हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि वो हम सब पर कृपा करें। धन्यवाद। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णदत्ताय दत्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर कृष्ण 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 हरे
जैसे तैसे जब तक वो नहीं आ जाएगी, इसलिए वो आने से पहले कौन कौन भगवान कब कैसे आएगा, पहले शास्त्र में, वेदों में, पुराण में, उपनिषद में पहले व्यास तक सब लिख करके गए ना वृंदावन दास ठाकुर ने, ये व्यास नारायण स्वयं ये भगवान की सत्या में सबका ये पहले सारे शास्त्र में लिख चुके हैं। ये जो करुणा है ना, हमारे पूरी सामने एक ग्रंथ है मालिका, मालिका मतलब होता है कब कैसे ये कलयुग में आएगा, ये बड़े बड़े संत लोग पहले बोल कर गए, वहां पर उड़ीसा भाषा में लिखा हुआ है, ऐसे दिन आएगा हम बिना स्पर्श के रोग ऐसे आएगा, वहां पर लिखा हुआ हम उड़ीसा मालिका में है, लोग दो लोग को छूने के लिए डरेंगे, लोग लोग ही डरेगा, और उसमें लिखा हुआ ऐसे आएगा लोग करेंगे क्या नहीं करेंगे क्या, वो एकदम आश्चर्यचकित में पड़ जाएंगे, हमें क्या करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कोई रास्ता नहीं मिलेगा, कैसे कुछ मैं जाने वाले। हमारे उड़ीसा दृश्य में मैं जब गया था पिछली बार जो लॉकडाउन हुआ गया था, कुछ व्यक्ति मेरे पास में आए और मालिका को देखो देखा बोले महाराज देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, ये पहले पता नहीं कितना हजार सालों पहले ये संतों ने लिख करके गए की स्थिति आने लगी। उसी तरह भगवान यहाँ पर आएंगे पहले शास्त्र जैसे अभी कल की अवतार नहीं हुआ है, लेकिन भागवत में पढ़ लिख देखो वहां पर लिखा हुआ है, इसलिए कहते ब्राह्मण विष्णु जस्य कल की प्रादुर्भविष्यति संभल ग्राम मुक्तस्थ ग्राम की भागवत का स्वरूप कौन सा गाँव है मेरे संभल गुरु नाम का है लिखा हुआ संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मण से महात्मना है, एक महात्मा ब्राह्मण को घर में कल की प्रादुर्भविष्यति ये कल स्वयं कल की अवतार उनकी घर में होगा है, और कहते अंजना उसको माँ की ना अंजना होगी ये लिखा हुआ है, जैसे बुद्धा बता रहे भागवत पढ़ के देखो वहां पर बुद्धावतार की कथा लिखा हुआ है, बुद्धावतार कब कैसे आएंगे हैं वहां पर भी सब लिखा हुआ है, उसी तरह चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आएंगे भागवत कहता है, भागवत सत्ययुग में तो कहा है सत्ययुग में जब श्री नव योगेंद्र नैमि महाराज के घर में आए उसी समय में इस चीज को आप लोग अच्छे तरह से सुना और ऐसे नहीं कहीं गए किसी ने कभी बहुत ही दर बोल दिया बात गुरु गुरु भगवान भगवान को छोड़ दिया सब प्रकार की, फिर दूसरे तरफ में बह जाते हैं दूसरे तरफ में बह जाते, इसलिए इस चीज हमें अगर पता रहेगा ना कोई बोलेगा उसको हम बता दें तो उत्तर दे सकते हो है, इसलिए सत्य युग में नैमि महाराज नवयुगेंद्र को प्रश्न करते हैं, क्या प्रश्न करते हैं बोले कलयुग में भगवान को और उनको कैसे आराधना की जाएगी, तब श्री ये नवयुगेंद्र वहां पर उत्तर देते हैं बोले कृष्ण वर्ण श्रीशाम अकृष्ण शांक पांक अस्त्र पार्षद चक्री संकीर्तन प्राय जयंती सुमेध बोले कलयुग में जो सुमेध है बुद्धिमान व्यक्ति होंगे वो क्या करेंगे बोले कृष्ण वर्ण किसान अकृष्ण बोले कृष्ण की जो दो वर्ण जिनको चुना में हर समय कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाई हर समय जो कृष्ण ये दो वर्ण को हर समय जो उच्चारण करेगा और उनका शरीर का रंग केशव कृष्ण मतलब कृष्ण है और कृष्ण मतलब काला नहीं क्या गोरे बनके क्या है मतलब क्या अकेले बोले नहीं कृष्णा कहीं थोड़ी आए लाल भैया के साथ था राधा रानी के साथ नंद जसोदा के साथ था कभी अकेला नहीं आएंगे मतलब उनका अंत उनका आत्मा कौन है नित्य अंदर अद्भुत आचार्य आए हैं और उसको पार्षद उनका भक्त लोग भी आएंगे श्रीवास कदा शक्ति आदि आएंगे हैं, इसलिए पार्षद भले उनको अस्त्र क्या होगा जैसे राम का अस्त्र धनुष है कृष्ण का अस्त्र सुदर्शन चक्र है फिर उसी तरह उनका अस्त्र क्या होगा भले कलयुग में उनका अस्त्र होगा ये हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण हरे
गरुड़ पुराण में क्या बताए, बोले कलम प्रथम अध्याय लक्ष्मिका भविष्यति तारु ब्रह्म समीपस्त सन्यासी गरुड़ पुराण में क्या हुआ, बोले वहां पर क्या लिखा, बोले कले प्रथम अध्याय बोले कलयुग का पहले कलयुग का प्रभाव कितना है बोलो कौन कले कलयुग का प्रभाव 4,45,000 साल, 4,00,000 कितना साल गिर गया, कितना साल कलयुग हुआ, कितना हो गया 5,500 साल हुआ और 4,35,000 साल कलयुग का परमाय। यहाँ पर कहते कलयुग का पहले ही कलयुग प्रथम संध्याया है, क्या कलयुग प्रथम संध्याया, कहते लक्ष्मी कांत भविष्यति उनकी पत्नी का क्या नाम होगा, महापूजा दो पत्नी की एक विष्णु प्रिया और एक लक्ष्मी प्रिया, देखो गरुड़ पुराण कहते हैं लक्ष्मी कांत भविष्य लक्ष्मी की कांत मैंने करके आई हूँ, बोले सन्यासी लेकर कहा रहे, बोले तारु ब्रह्मण सन्यासी गौरव तारु ब्रह्मण जगन्नाथ गुरु जगन्नाथ गए नहीं देखा जगन्नाथ जैसे यहाँ ठाकुर जगन्नाथ जी कसके से वो लकड़ी से मिलते हैं, तारु ब्रह्मण तटस्थम सन्यासी गौरव मैं वहां पर महाप्रभु में वहीं पर जगन्नाथपुरी में वहीं पर गंभीरपुरी कौन कौन गए पुरी कौन कौन गए इतना पुरी गए और कौन कौन जाना चाहते सब बोले जाए, इसलिए यदि वहां पर सब लिखा हुआ है यदि वहां पर कहती गौरव पुराण में यदि ये ब्रह्म पुराण में क्या ब्रह्म पुराण में क्या लिखा हुआ है यदि कलम प्रथम संध्याय गौरात्मकमे कलिका प्रथम संध्या श्री गौरात्म बन करके मैं आऊंगा है बोले सुधीर घाट गंगा तीर समुद्र पर दयालु कीर्तन ग्राही कहाँ पर जन्म लूंगा गंगा किनारे नवद्वीप गए वो नवद्वीप गए वहां पर माया पर है ना गंगा किनारा नाम पार हुए कि नहीं, इसलिए कहते गंगा किनारा मेरा जन्म में गंगा किनारा वहां पर लिखा हुआ सबके साथ, इसलिए कहते कभी ये पाई पुराण में क्या लिखा हुआ है कहते पाई प्रबल सुख गौर सुधीर गंध गंगा तीर समुद्र दयालु कीर्तन गाही भविष्य कलयुग में संकीर्तन को जगत में प्रचार करूंगा वहां पर है क्या पर लिखा हुआ है, इसलिए कहते अहम में वो कुछ भी ब्राह्मण संन्यासी संन्याश्रम सीता हरी भक्तों ग्राहयामी कलयुग पाप हल कलयुग में जो पाप हल जीवों को मैं नाम संकीर्तन प्रदान करूंगा, इसका पहले से लिखा हुआ है महाप्रभु कलयुग में कहा जन्म लेंगे संन्यास लेंगे कहा उनको पिताजी का नाम क्या होगा माँ का नाम बोले सच्ची सुख भविष्यामी मैं सच्ची का बेटा बन जाएगा, ये पहले पुराण में सब लिखा हुआ है, इसलिए हम जो चैतन्य महाप्रभु को भजन करते हैं अभी जो अभी कली युग में जो सब अलग 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 भगवान है हमारी भगवान ऐसे नहीं, हमारे भगवान के बारे में पहले भागवत गीता पुराण में सबसे सब पहले लिखा हुआ है सबसे सब पहले लिखा हुआ और भगवान कभी मरते हैं भगवान के पूरे रामचंद्र बुरे हुए युद्ध दाढ़ी और बौद्ध दाढ़ी देखते हो कभी मरे ही भगवान ना कृष्ण मरे नहीं पूरा के पूरा अपना धाम प्रकार में पूरा अपना भक्तों को लेकर गए, इसलिए महाप्रभु शरीर नहीं छोड़े महाप्रभु उन्होंने एक साथ में दो जगह में महाप्रभु दिखे एक तो छोटा गोविनाथ खुल गए हो वहां पर छोटा गोविनाथ है और एक जगन्नाथ मंदिर दो जगह में भक्तों के साथ में कीर्तन एक साथ कर लेते और इधर महाप्रभु छोटा गोविनाथ के शरीर में जाकर के लीन हो गए और उधर जगन्नाथ मंदिर में एक साथ में वहां देख रहे हैं महाप्रभु नृत्य करते करते जगन्नाथ मंदिर में गए और महाप्रभु के समान और छोटा गोविनाथ में जो कृष्ण अभी भी दिखाते हैं जंगल में की जगह है यहाँ पर महाप्रभु ने प्रवेश किया था कि भगवान भी करते हैं और भगवान का रूप कोई बुरे रूप देखे कोई भगवान देखे नहीं हो कि भगवान कोई बुरे नहीं होते भगवान की कभी तारीफ नहीं होता है भगवान है, इसलिए हर समय ईश्वर उम्र इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे ये रोज रोज कुछ महाप्रोज हम कुछ कथा सुनने के लिए ठीक है आज बहुत लेकर हो गया इसलिए